प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो चलिए दोस्तों, आज 12वीं क्लास के लिए एक खास टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी संधारित्रों का संयोजन। और जो भी बच्चे जी मेंस नीट के पेपर का तैयारी करते हैं वो बच्चे इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन से जो व्यंजक आएगा उससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, माय नेम इज ब्रिश्वर कुमार पंडित और आप सभी का प्यारा सा चैनल ब्रिश्वर बेस्ट क्लास में स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, यानी लेट किया ना जाए, एकदम बिल्कुल फटाफट शुरू किया जाए। और आपके सामने आज हम लेकर आए हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। मैंने बताया इसको हिंदी में क्या कहते हैं, संधारित्रों का संयोजन किस प्रकार से किया जाता है। तो आप किताब पढ़ेंगे तो किताब में लिखा है कि संधारित्रों का संयोजन विशेष रूप से दो प्रकार से किया जाता है, यानी पहला होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम समूहन, यानी संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन, जिसको अंग्रेजी में सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो आइए दोस्तों, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है इसको मतलब हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम तीन कैपेसिटर बना लेते हैं, तब उनको सीरीज यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। चलिए तीन कैपेसिटर बना लेते हैं। आपको तो मालूम है कि कैपेसिटर किस तरीके से बनाया जाता है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे चुके हैं, यानी कैपेसिटर एंड इट्स प्रिंसिपल का वीडियो का लिंक दे चुके हैं, आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, तीन कैपेसिटर बनाते हैं, आज के बाद आप भी बनाना सीख जाएंगे। एक एक कैपेसिटर बन गया, ऐसा नहीं कि एक एक दो हो गया, नहीं, आप पढ़े होंगे कैपेसिटर के बारे में, एक कैपेसिटर हो गया। चलिए एक दूसरा कैपेसिटर बनाते हैं, सिर्फ दिमाग से बनानी है, दिमाग लगाइए और बनाइए। चलिए एक तीसरा कैपेसिटर हो गया, चलिए और इसको हमें क्या करना है, सीरीज के रूप में जोड़ना है, सीरीज कॉम्बिनेशन करना है। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि इस पर क्या होता है, प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है और इस पर क्या हो जाता है, माइनस। इसके ऑपोजिट वाले प्लेट पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और इसको जोड़ते कैसे हैं, तो इसको इस तरीके से जोड़ते हैं कि जो पहले संधारित्र के ऋण ध्रुव होता है दूसरे संधारित्र के धन ध्रुव से जोड़ते हैं, मतलब इसको इससे जोड़ते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस यानी दूसरे संधारित्र के ऋण ध्रुव को तीसरे संधारित्र के धन ध्रुव से जोड़ते हैं और यही क्रम क्या रहता है, जारी रहता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। और यहां पर देखिए, ये जो संग्राहक प्लेट है, संग्राहक प्लेट को सेल के यानी प्लस टर्मिनल से जोड़ेंगे और इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे। इसको हम क्या करेंगे, यानी नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, आप देख सकते हैं इसको हमने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़े। और यहां पर देखिएगा, इधर वाले का पोटेंशियल भी हो गया, इसका पोटेंशियल जीरो, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, भी हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, भी हो गया। अब एक बात बताइए, इसकी धारिता, इस कैपेसिटर की धारिता C1 और इस कैपेसिटर की धारिता C2 और इस कैपेसिटर की धारिता C3 हो गया। अब मजे की बात है, अब यहां से आपको घबराना नहीं है, नहीं तो घबराए तो दिक्कत हो गया भाई। आप आराम से देखिए, एक एक बात को समझिए, जब तक इसका एक एक पद, इसके बारे में एक एक पद के बारे में आप नहीं जानेंगे, एक एक पार्ट्स के बारे में आप नहीं जानेंगे, तो आप व्यंजक कर लेंगे लेकिन रियल मायने में आपको समझ में नहीं आ सकता है। अगर रियल मायने में आपको समझदारी चाहिए इस टॉपिक में, तो आपको केयरफुली इस टॉपिक को देखना ही पड़ेगा और बढ़िया से देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने बताया कि जो यहाँ पर जो प्लस टर्मिनल है, इसका पोटेंशियल भी और इसका पोटेंशियल इधर जीरो ले लिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, भी हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं तो इसमें देखिएगा, जो संग्राहक प्लेट पर, जिसको कलेक्टिंग प्लेट कहते हैं, इस पर देखिए चार्ज सेम है, इस पर क्या है, चार्ज सेम है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यहां पर क्या होता है, क्यू इज सेम एच कैपेसिटर, यानी प्रत्येक संधारित्र के लिए, प्रत्येक संधारित्र के लिए, प्रत्येक संधारित्र की धारिता के लिए जो क्यू होगा वो क्या होगा, सेम होगा, वो क्या होगा, क्यू क्या होगा, सेम होगा। लेकिन
पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा एच डिफरेंट ए डिफरेंट होगा एच डिफरेंट एच कैपेसिटर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस यानी प्रत्येक के लिए क्या होगा अलग अलग होगा। जैसे यहां पर एक पॉइंट ए रख दिए, यहां पर एक पॉइंट बी रख दिए, चलिए यानी ये जो पहला कैपेसिटर है यानी किन बिंदुओं के बीच व्यवस्थित है ए बी के बीच है, चलिए यहां पर बी है यहां पर सी कर लीजिए, यानी जो दूसरा कैपेसिटर है वो किन किन बिंदुओं के बीच व्यवस्थित है बी और सी के है, और जो तीसरा कैपेसिटर है वो सी और डी के बीच है। तो दोस्तों यहां पर देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज क्या होनी चाहिए सेम होनी चाहिए, और प्रत्येक कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। तो चलिए दोस्तों यहां पर क्या हो जाएगा इसका पोटेंशियल, यानी यहां पर इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी वन, इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी टू, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा भी थ्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा भी थ्री हो जाएगा। और एक फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, सी बराबर क्यू बटा भी जानते हैं ना सर, तो आप यहां पर क्रॉस गुना करेंगे तो सी भी बराबर क्यू, तो आपको भी बराबर क्या मिलेगा यहां पर क्यू बटा सी, क्या मिलेगा भी बराबर क्यू बटा सी। तो यहां पर आप देख सकते हैं भी वन के लिए क्या होगा सर, भी वन के लिए क्या होगा, तो देखिए क्यू तो लिखिए क्यू इज सेम इच कैपेसिटर, तो यहां पर तो क्यू सेम होता है तो क्यू आप बटा यहां पर इसकी धारिता क्या होगा सी वन होगा, इसकी धारी इसके लिए क्या हो जाएगा भी टू बराबर क्या होगा क्यू बटा सी टू, यहां से आप देख सकते हैं, और इसके लिए क्या होगा भी थ्री बराबर क्यू बाई सी थ्री हो जाएगा। तो दोस्तों एक बात बताइए, अब यहां से हम हल करेंगे, मजा आएगा, बहुत बढ़िया टॉपिक है, यही जो भी है यही ना बटा है, ये जो भी है यही ना इसमें क्या हुआ है बटा है, बटा गया है, तो यानी हम भी बराबर क्या लिख सकते हैं भी वन प्लस भी टू और प्लस क्या हो जाएगा भी थ्री। और हमें क्या करना है सीरीज कॉम्बिनेशन यानी तुल्य धारिता निकालना है, हमें क्या करना है बहुतुल्य धारिता निकालना है, यानी इन सबके सीरीज के बदले हमें तुल्य धारिता चाहिए। तो तुल्य धारिता के लिए अगर इसका फिगर तैयार किया जाए तो एक कैपेसिटर होनी चाहिए, तो वो कैपेसिटर कैसा बनेगा, वो कैपेसिटर आपको बनाना पड़ेगा ऐसा, कैसा बनाना पड़ेगा ऐसा बनाना पड़ेगा, ए प्लस हो गया ए माइनस हो गया, आपको बताएं यहां पर ए क्या हो जाएगा, यहां पर देखेंगे ए क्या होगा सीरीज सी एस यानी समतुल्य धारिता हो गया, तुल्य धारिता हो गया, और यहां पर ए प्लस क्यू और यहां पर ए माइनस क्यू, सोचिए यहां पर ए क्या होगा, ए भी है यहां पर भी ही होगा। तो ये दोनों सेम है, देखिए ये दोनों सेम है और इसकी धारिता सी एस हो गया, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करेंगे भी बराबर क्या जानते हैं, भी बराबर क्या लिख सकते हैं यानी क्यू आप बटा चार्ज तो सेम होगा आप बटा यहां पर क्या होगा सी एस हो गया। तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी बराबर तो भी वन, तो भी वन के लिए क्या है क्यू बटा सी वन, आ प्लस भी टू के लिए क्या है क्यू बटा सी टू, और यहां पर भी थ्री के लिए क्या है तो क्यू बटा सी थ्री है। तो दोस्तों यहां पर भी बराबर क्यू को कॉमन करिए ना, क्यू को कॉमन करेंगे तो एक बटा सी वन प्लस एक बटा सी टू प्लस एक बटा सी थ्री। तो दोस्तों यहां पर भी बराबर क्या मिला है क्यू बटा सी एस, यहां पर यानी क्यू इंटू क्या मिलेगा एक बटा सी वन प्लस एक बटा सी टू प्लस एक बटा सी थ्री। चलिए यहां तक तो आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, तो चलिए दोस्तों अब मिटका देते हैं इधर, और मिटका कर हम इसको ले चलते हैं ऊपर की तरफ। तो दोस्तों हमारे पास यहां पर क्या मिला था क्यू बटा सी एस, आपको डबल नहीं लिखना है, हम लिख दे रहे हैं यहां पर ऊपर लिख रहे हैं क्यू क्यू इंटू एक बटा सी वन प्लस एक बटा सी टू प्लस एक बटा सी थ्री। तो दोस्तों यहां पर क्यू से क्यू कैंसिल एक, तो यहां पर एक बटा सी एस बराबर एक बटा सी वन प्लस एक बटा सी टू प्लस एक बटा सी थ्री, यही दोस्तों संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक रहा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज के बाद कोई भी प्रश्न करे कि संधारित्रों का श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक क्या होता है बता सकते हैं, कहेंगे एक बटा सी एस बराबर एक बटा सी वन प्लस एक बटा सी टू प्लस एक बटा सी थ्री। और दोस्तों यहां से उन बच्चों के लिए विशेष फोकस करना है जो जीमेंस नीट के पेपर का तैयारी करते हैं, क्योंकि यहां से हम आपको स्पेशल केसेस के बारे में बताएंगे, स्पेशल बातें बताएंगे जो पेपर में पूछे जाते हैं। यहां पर इस फिगर में आप देख सकते हैं कि हम तीन संधारित्र को जोड़े थे यानी तीन कैपेसिटर को जोड़े थे,
और उनकी धारिता C1C2C3 था। अगर अनंत तक जोड़ा जाए, इसको आगे की तरफ अनंत तक बढ़ाया जाए, तो आपका तुल्य धारिता क्या होगा? तो दोस्तों आपको मालूम है कि 1/ सामान्य धारिता की बढ़ाया जाए, सामान्य धारिता को अनंत तक बढ़ाया जाए तो 1/CS = 1/C1, यानी प्रत्येक की धारिता सी हो, 1/C2 + 1/C2 के लिए सी, 1/C + 1/C + n टर्म तक, यानी समान धारिता को n तक जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों 1/CS = आप देख सकते हैं 1+1+n टर्म तक, तो इसके लिए n/C, तो ये नीचे से ऊपर जाएगा तो CS = क्या होगा? C/n हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है इसको समझना जरूरी है, इसका अर्थ क्या होता है इसको समझना बिल्कुल जरूरी है। 12वीं क्लास का एक ऑब्जेक्टिव हमारे दिमाग में हमेशा बना रहता है, जो अक्सर दे देता है पेपर में, देता है कि तीन संधारित्र की धारिता क्या है? समान है, और उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य धारिता क्या होगी? एक बार और क्वेश्चन सुनिए, चूंकि पेपर में तो छा जाता है हमेशा, जब भी बोर्ड का एग्जाम होता है उस बोर्ड में ऑब्जेक्टिव आपको मिलना ही है, समझिए 80% हम बता रहे हैं। देता है कि तीन संधारित्र की धारिता समान है, यानी तीन संधारित्र की धारिता समान है और उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य धारिता क्या होगा? तो दोस्तों आप ट्रिक से बना सकते हैं, तीन संधारित्र की धारिता मतलब n = 3 बार जोड़ा जाता है और वो भी समान धारिता के लिए, तो CS = क्या होगा? C/n, तो n के जगह पर क्या होगा? C/3। आंसर क्या होगा? C/3। अब एक बात बताइए, मैं ऐसे क्वेश्चन कहूं कि चार संधारित्र पर समान धारिता है, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य धारिता क्या होगा? तो CS = क्या होगा? C/4। 5 को समान धारिता का जोड़ा गया है, C/5 श्रेणी क्रम में जोड़ा गया हो, तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव तो आपके दिमाग में जरूर बन गया होगा कि तीन संधारित्र की धारिता समान है और उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य धारिता क्या होगा? C/3 होगा। अगर आप प्रोसेस के आधार पर बनाना चाहते हैं तो दोस्तों हम बनाकर आपको दिखा रहे हैं, जैसे कि तीन संधारित्र की धारिता समान है, यानी C1 = C, C2 = BC, C3 = BC, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य धारिता पूछता है आपसे, CS पूछता है। तो दोस्तों यहां पर 1/CS = क्या होगा? 1/C1 + 1/C2 + क्या होगा? 1/C3। तो दोस्तों 1/CS = 1/C1C + 1/C + 1/C। तो दोस्तों यहां पर 1/CS = आपको क्या मिलेगा? 3/C, ये ऊपर जाएगा तो CS = C/3। देखिए तो ऐसे भी बन गया, लेकिन प्रोसेस हो गया, और हमें प्रोसेस द्वारा ऑब्जेक्टिव को तो बनाकर नहीं रंगना है, सिर्फ दिमाग चलनी चाहिए तब मजा आएगा, तब आपको लगेगा कि मेरे पास फिजिक्स में कुछ नॉलेज है। तो चलिए दोस्तों और भी इसको आगे की तरफ बढ़ाते हैं, मजा आ जाएगा। यानी अब देखिए, ये तीन संधारित्र को जोड़े थे श्रेणी क्रम में, अगर दो संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो क्या होगा? दोस्तों आप लिख भी सकते हैं दो संधारित्र के लिए, यानी लिख सकते हैं कि इफ टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 and C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस CS इज गिवन बाय। कैसे लिख सकते हैं दोस्तों इसको? यहां पर देखिए लिखिए, इफ टू कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस C1 and C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन इक्विवेलेंस कैपेसिटेंस सीरीज ऑफ कैपेसिटर इज गिवेन बाय। यानी कहता है दो संधारित्र की धारिता, यानी क्या कहता है? दो संधारित्र की धारिता, यानी
जिनकी धारिता C1 और C2 है उनको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो तुल्य धारिता क्या होगा? दोस्तों अभी तो बताएं, 1/CS बराबर क्या होगा? 1/C1 प्लस क्या होगा? 1/C2। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा? 1/CS बराबर लघुत्तम, देखिए C1 × C2, और यहां पर क्या होगा? C2 + C1। तो दोस्तों ये नीचे से ऊपर जाएगा तो CS बराबर नीचे वाला भी ऊपर चला जाएगा, C1 × C2 अब बटा क्या होगा? C1 + C2। यानी सच डेट आपको क्या इसको लिख सकते हैं, ए प्रोडक्ट बटा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट बटा सम हो जाएगा। तो दोस्तों यही तो रहा, तो उम्मीद करते हैं ना कि ये बातें आपको अच्छे तरीके से दिमाग पर जाकर गहरा असर किया होगा और आपको याद भी हो गया होगा कि यानी श्रेणी क्रम समूहन का व्यंजक यानी संधारित्रों के श्रेणी क्रम समूहन के लिए यानी व्यंजक क्या होता है। तो दोस्तों मैंने आपको क्या बताया कि 1/CS बराबर क्या बताया? 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। दोस्तों जो आपके दिमाग पर जाकर गहरा असर किया होगा और गहरा असर किया होगा तो आप कभी भी भूल नहीं सकते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स जरूर करिए और दोस्तों में वीडियो का शेयर करना तो भूलवे मत करिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।